मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गरीब की हाय, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी राम सेवक बोहे चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना ही भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजित थी। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु वह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमंदनी अधिक तो न होती थी, खैर जो है उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आस पास के अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती, बूढ़े कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाते। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश यह है, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे, यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत का तो उन्हें कोई डर ना था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था, परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती ही रहती थी। इसी गांव में मुंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति बर्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वहीं मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मुंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक, बेचारी ने ये सब रुपये मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मुंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यही चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मुंगा तुम्हें मरना है कि नहीं, साफ साफ कह दो, मैं ही मरने की फिक्र करूं। उस दिन मुंगा की आंखें खुली, नींद टूटी और बोली, ठीक है, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मुंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी तो मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में इसका कुछ जोर ना था, लिखा पढ़ी थी नहीं, हिसाब किताब हाँ पंचायत का कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, गाँव के लोग इकट्ठे हुए, मुंशी जी की नीयत और मामले के साफ थे। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों अब आप लोग सत्यप्रायण और कुलीन हैं, मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। क्या आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रूप में हड़प कर गया हूँ? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार है कि मैंने रुपये दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उतार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊँगा कि एक अनाथनी के रुपये पचा लूँ? पंचों ने एक स्वर में फिर कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया, पंचायत उठ गई। मुंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मुंगा का दुख सुनने वाला और सहायक ना था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते वह उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी,
पर जिस दिन से पंचायत पूरी हुई उस दिन से उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था और वह था मुंशी राम सेवक का भला मनाना। झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीषा करती। बहुधा अपनी आशीष के वाक्यों में ऐसे कविता के भाव और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मुंगा पगली हो चली। नंगे शरीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़े के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटे लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने और लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना होता। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाते, कुत्तों को साथ लिए उस समय तक बेचारी को तंग करते जब तक कि वह गांव के बाहर ना निकल जाती। रुपया पैसा होश आवाज खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब बस सचमुच पगली हो बैठी थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, मैं तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठटाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की जोर से हंसा करती। इस ठटाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाश्विक उग्रता टपकती कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था, ना फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर ना हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर तो प्रत्येक मनुष्य के मन में रहता है। मूंगा का भयानक रात का घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में था। उसकी स्त्री बड़ी चतुर थी। वह इनको इन सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को था, बोलने में इतनी तेज जितने मुंशी लिखने में। और वह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश्य दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के दो चार घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी। मुंशी जी यह भयावना ठहाका सुनकर चौंक गए। कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला और जाकर अपनी पत्नी नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी स्वर में कहा। वह दरवाजे पर आकर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है तुम्हारा सिर? क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज़ नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से तो नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उसे आज दो दो बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्योड़ी में गए। दरवाजे से झाँक कर देखा, मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी। उसकी सांस तेज से चलती सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू और मांस की भूख से वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता। जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज़ थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मैं तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने भलकाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया।
उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई, हंसी के सामने मुंह बंद हो गया। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। ना उठूंगी, कब तक पड़ी रहेगी, तेरा लहू ही पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला। नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे कि यह बला कैसे टलेगी, इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है, और वह खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे का अफसोस रहता, और यह घटना गाँव में घर घर फैल जाती। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर भीड़ कभी कभी लगती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद ना थी। मूंगा पर उसे क्रोध आ रहा था। यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने भी हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न ना हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए और कहते कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललयाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेड़ू उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मन नहीं तो आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है, धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन जो जो पास आते जाते हैं त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। कहना व्यर्थ ना है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में एक ऐसी असाधारण घटना होने पर कितनी हलचल हो सकती है, उससे अधिक ही हुई। और मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा कुचा पानी भी इस घटना में चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर में कोई गाय खूटे पर मर जाती है तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। ना नाई उसकी हजामत बनावे, ना कहार उसका पानी भरे, ना कोई उसे छुए। यह गौहत्या का प्राश्चित है। ब्रह्महत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इससे अपमान भी बहुत है। मूंगा जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो इसका कुछ नहीं कर सकती, पर मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे मत्थे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष तो नहीं लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार तो मरी नहीं थी। ताजी रात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उनसे प्राश्चित करवाना चाहते थे उनकी बड़ी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, आप पानी भर लेंगे। अपना काम करने में भला क्या हो सकता है। बला से नाई बाल ना बनावेगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है, दाढ़ी मर्द की शोभा और सिंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होती है तो एक एक आने में तो अस्तरे मिलते ही हैं। धोबी कपड़े ना धोवेगा तो क्या, एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाक साफ करेगा, पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों को लत्ता निकाल देता है। आप पहने दूसरे के भाड़ पर जाए पहनाए। खैर, मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर यूं तो कहकर अपने मन को बहुत समझाया, पर सांझ होते होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गई। अब उनके मन में भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा और राम गुलाम ने गणासा। इस ढंग से तीनों चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले,
तुम तो व्यर्थ में ही डरती थी, वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं लगता। यह दंगल जीतकर दोनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोनों में बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे बाल, वही पागलपन और वही डरावनी आंखें, मूंगा का नख शिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे, वहीं कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया तो वह दानों की खोज में मटकों से कभी नीचे गिरे जो गिरे हुए दाने थे रेंगता वो आकर चिथड़े के नीचे आया। कपड़े में खड़खड़ाहट उठी, फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देख झिझकी और चीख पड़ी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके, राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया, देखकर तब उन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी को साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। ने अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। तुम क्या समझती हो, मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी, मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण बात ना थी। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका है उसे डरपोक कौन कह सकता है। वह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के लिए कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियाँ कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा भी खटखट होती कि तीनों चौक पड़ते। इधर पत्तियों ने सरसराहट हुई, उधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और रह रहकर धीमी आवाज़ धरती के भीतर से उनके कानों में आती, तेरा लहू पीऊंगी मैं, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीली दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, पावलों की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुली, अंधे की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए, नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठा भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया, बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्निपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीते रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में से एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को नहीं आता दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठावे? इस समय मुंशी जी का रौब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय, उनकी कानूनी प्रतिभा, एक भी काम ना आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था और ना बाहर खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे, उसका अनुमान करना कठिन था। घर में लाश पड़ी हुई थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था, अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? इसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तागेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी, एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भीतर ना उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड ना छोड़ा। उनके मन पे हर घड़ी मूंगा की मूर्ति
विराजमान रहती, कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन ना होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे पर ना झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते, सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था, विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून की भैंसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह तो उनके 10-12 दिन ज्योत्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मातम कुर्सी करेंगे, मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों रहनामों और सुलहनामों की भारमार हो जाएगी, मुट्ठी गर्म होगी तो शाम को जरा नशा पानी का रंग जमेगा, जिसके छूट जाने से और जी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे। वहाँ रहनामों की भरमार और बेनामों की बढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि ही नजर आई। बस्ता खोले, घंटों बैठे रहे, पर कोई नज़दीक भी ना आया। किसी ने इतना तक ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े बड़े, पुराने मुवक्किल जिनकी मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुँह छिपाए हुए थे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था। वारे भाग्य, मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते थे मानो किसी की जान पहचान ही ना हो। दिन भर कचहरी की खाक चलने के बाद मुंशी जी घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और दो कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झपट कर बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए, एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं, पर यह हवा के हल्के झोंके हैं और वह प्रचंड आंधी। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहाँ मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह जाता था। इसके बाद कई महीनों तक दिखाई ना पड़े, शायद बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, बभूत रमाए, लंबी जटाए, हाथ में कमंडल। उनका चेहरा कुछ कुछ मुंशी राम सेवक से मिलता जुलता था, बोलचाल में अधिक भेद ना था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी, आग भड़क गई। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए कि एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा। वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई। एक दिन उसने किसी के खेत से में मूली नौची, उसने 2-4 धौल लगाए, उस पर वह इस कदर बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया, हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेंट्री स्कूल में मौजूद है। तो यह कहानी थी गरीब की हाल, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।